समस्त भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भूतपूर्व एमसी अक्षय महाजन। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मास्टर जी आज़ाद खड़े हैं, उन्होंने पूरा मन बना लिया है और आप भी उनकी सपोर्ट में पूरी तरह से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति के बाजार में ये अफवाहें गर्म हैं कि मास्टर जी शायद बैठ जाएंगे किसी लालच कारणवश या कोई मतलब खरीद फरोख्त की बातें ऐसी चल रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मास्टर मोहन लाल जी बहुत ही सूझवान, और मैं तो एक चीज दस रहा हूँ, जिन्नी साड़ी उम्र है उन्होंने राजनीतिक सफर है ना, मास्टर जी कौन खरीद सकता? जो कैंडिडेट अज्ञात तौर पे फॉर्म भर के आया है वो अपने आप को कभी भी बैठने के लिए या कोई उसको प्रताड़ित या कोई दबाव डाल करके बोलेगा कि आप बैठ जाओ, तो वो बैठने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो शुरू से पहलवानी के साथ अखाड़ों में कुश्तियां करने वाले हैं, वो हर दंगल में लड़ करके जीत करके निकलना जानते हैं। यहाँ तक पैसे के लालच से बैठने का सवाल है तो आज दिन तक मेरी 50 साल की राजनीति में तो किसी ने इल्ज़ाम लगाया नहीं, अब ये नया इल्ज़ाम है, लगाना किसने इल्ज़ाम? पप्पू ने। अगर मैं बैठ गया तो पप्पू को भी नुकसान हो सकता है, अगर मैं खड़ा रहा तो अश्विनी को नुकसान होगा, तो दोनों में कोई देने वाला है नहीं। कोई है कोई मालदार स्वामी ढूंढ के लाओ यार, कोई पैसे वाली ठामी लाओ तुम, संजीव तुम जाओ और मालदार स्वामी को मेरे पास ढूंढ के लाओ, कुछ पैसे बन जाए तो ठीक है। जी, आप अपने आप में एक बहुत बड़ी स्वामी हैं, तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है ये तो, लेकिन अफवाहें अफवाहों पे बात तो होगी। इलेक्शन है ना जी, इसमें अफवाहें अड़ती रहती हैं। समस्त भारत न्यूज़ को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।